अंतरिक्ष अनुभव का समूह हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा शुरू हुआ 1998 के दशक में संसाधनों की मदद से एक चौंकाने वाली खोज की थी। यह खोज डार्क एनर्जी के विषय में थी। इस खोज ने हमें बताया कि ब्रह्मांड में ऐसी कई सारी रहस्यमयी चीजें हैं जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय तत्व है जो हमारे ब्रह्मांड को प्रकाश की गति से भी तेज एक्सपैंड करती हैं और यह डार्क मैटर से अलग होते हैं, जिसे बढ़ती गुरुत्वाकर्षण के लिए कारण माना जाता है। यह नई खोज हमें ब्रह्मांड की वास्तविकता को समझने में काफी मदद करती है। अंतरिक्ष में बहुत सारे तारों को देखा जाता है जो एक ही समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हुए नजर आते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि ब्रह्मांड तेजी से बढ़ रहा है। हम यह सोचते हैं कि डार्क एनर्जी इस बढ़ती गति का कारण हो सकती है। डार्क एनर्जी अस्तित्व का एक रहस्यमय तत्व है, जिसका मूल अर्थ है कि यह ऊर्जा जो समस्त ब्रह्मांड को आकार देती है अस्तित्व करती है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार इसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। इसे समझने का आधार उनके विचारों पर आधारित है, जिनके अनुसार यह ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि इसकी दृष्टि से समस्त ब्रह्मांड की गतिविधियों को समझा जा सकता है। डार्क एनर्जी अनुमानित रूप से सारे ब्रह्मांड के 70% से अधिक ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए इसके बिना ब्रह्मांड का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता। यह ऊर्जा अनुमानित रूप से समस्त ब्रह्मांड के एक अनुमानित विस्तार को बढ़ाती है जो अनुमानित रूप से 46 अरब वर्ष के दूरी को आकार देता है। डार्क एनर्जी के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि इसे डार्क मैटर से अलग माना जाता है, लेकिन यह अन्य एक तरह का मामला है जहां ब्रह्मांड के दो अलग अलग हिस्सों में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों की अस्तित्व होती है। डार्क एनर्जी की खोज 1998 में हुई थी। इसकी खोज करने वाली टीम में थे अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स एडम जी रिस, सॉल परमट्टर, ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोनॉमर ब्रायन स्मिथ और अमेरिकन थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजिस्ट माइकल एस टर्नर। वे टाइप आई ए सुपरनोवे का अध्ययन कर रहे थे। सुपरनोवा एक ऐसी घटना होती है जब एक तारा अपनी अंतिम अवस्था में होता है और विस्फोट होकर एक आकार ले लेती है। इस विस्फोट से आसपास के कई तारे नष्ट हो जाते हैं और इससे समय समय पर लोहे जैसे तत्व बनते हैं। इसे उभरता हुआ तारा भी कहा जाता है, जिससे वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि इससे वे कुछ और सीख सकते हैं या नहीं। उन्होंने उम्मीद की थी कि मैटर यूनिवर्स बढ़ने से रोकती होंगी क्योंकि ब्रह्मांड में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण खींच होती है। हालांकि उन्होंने यह पाया कि यूनिवर्स वास्तव में तेजी से बढ़ रही थी। इसके बाद टीम ने अपने अध्ययन के फलस्वरूप एक नई ताकत को खोजा जो उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। इसी नई ताकत को बाद में डार्क एनर्जी के नाम से जाना जाने लगा। टीम ने इस खोज के लिए बहुत से उपकरणों का उपयोग किया, जिनमें से एक था हबल टेलीस्कोप। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कॉस्मोलॉजिकल कंस्टेंट का उल्लेख किया था, आमतौर पर यूनानी अक्षर लैम्ब्डा से प्रतिनिधित्व किया जाता है। यह एम्प्टी स्पेस की वैक्यूम एनर्जी थी जो उनके फील्ड इक्वेशंस ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ब्रह्मांड को स्टैटिक बनाए रखती है, न के कॉन्ट्रैक्टिंग या एक्सपेंडिंग। इससे मैटर के कारण उत्पन्न होने वाली ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन को संतुलित करने का एक तरीका प्रदान किया गया था। जब लोगों ने ब्रह्मांड का विस्तार होते हुए देखा, तब आइंस्टीन ने अपनी कॉस्मोलॉजिकल कंस्टेंट को हटा दिया।
हालांकि यदि डार्क एनर्जी कुछ ऐसे होती जो आइंस्टीन के कॉस्मोलॉजिकल कंस्टेंट से समान होती, तो वह न केवल गुरुत्वाकर्षण को संतुलित रखती स्टैटिक यूनिवर्स को बनाए रखने के लिए, बल्कि ब्रह्मांड के एक्सपांशन को तेजी से बढ़ाने के लिए नेगेटिव प्रेशर प्रदान करती। इसके अलावा डार्क एनर्जी के अन्य प्रकार प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें एक कॉस्मिक फील्ड जो इन्फ्लेशन से संबंधित है, और एक अलग लो एनर्जी फील्ड डब्ड यानी के कम ऊर्जा फील्ड जिसे क्विंटसेंस कहा जाता है। यह सोचा जाता है कि बहुत पहले के ब्रह्मांड ने भी एक पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपांशन अवधि जो कि इन्फ्लेशन कहलाती है का अनुभव किया था। इन्फ्लेशन बिग बैंग के लगभग 10 से 36 सेकंड बाद हुआ, जिससे ब्रह्मांड ज्योमेट्रिकली फ्लैट बन गया। यदि ब्रह्मांड की घनत्व बिल्कुल आवश्यक घनत्व से बराबर है, तो ब्रह्मांड की ज्यामितीय शीट ऑफ पेपर की तरह फ्लैट है। ब्रह्मांड पर हावी एक मामले के लिए महत्वपूर्ण घनत्व लगभग 6 प्रोटॉन प्रति मीटर क्यूब के बराबर एक भारी ब्रह्मांड के लिए आवश्यक घनत्व के बीच बैठता है, जो अंततः ढह जाएगा, और एक हल्के ब्रह्मांड के लिए आवश्यक घनत्व जो हमेशा के लिए विस्तार करेगा। जब खगोलविद आज ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा की मात्रा का मापन करते हैं, तब वे केवल इससे लगभग 30% तक पहुंचते हैं जो ब्रह्मांड को फ्लैट बनाने के लिए आवश्यक होता है। डार्क एनर्जी को मास एनर्जी में शामिल करने से ब्रह्मांड फ्लैट बन जाता है। अति सरल इन्फ्लेशन विस्फोटाधीन काल की घटना का अनुमान लगाता है कि ब्रह्मांड का डेंसिटी अत्यंत निकट क्रिटिकल डेंसिटी के पास होता है। कहा जाता है कि क्विंटसेंस, प्राचीन यूनानियों ने इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था एक रहस्यमय पांचवी तत्व को व्याख्या करने के लिए। हवा, पृथ्वी, आग और जल बाकी के तत्व हैं, जबकि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक वैक्यूम एनर्जी, क्विंटेसेंस गतिशील, समय विकसित और अंतरिक्षीय ऊर्जा की एक विशेष रूप है। यह एक क्वांटम फील्ड होती है जिसमें किनेटिक और संभावित ऊर्जा यानी के पोटेंशियल एनर्जी होती है। दो ऊर्जाओं की अनुपात और उनके दबाव के आधार पर क्विंटेसेंस आकर्षित या प्रतिकर्षित हो सकता है। प्रतिकर्षित का मतलब होता है पीछे हटाना, जैसे परमाणु के दो सब पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर धकेलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसकी स्थिति की समीकरण जो इसके दबाव पी और घनत्व क्यू का संबंध बताता है, पी बराबर डब्ल्यू रो होता है, जहां W ब्रह्मांड के शासित कंपोनेंट की स्थिति के समान होता है। यदि W-1/3 से कम हो जाता है, तो यह एक्सेलरेटेड एक्सपांशन की शुरुआत करता है। मतलब कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट फिक्स्ड एनर्जी डेंसिटी के साथ साथ स्टैटिक होती है और W-1 के बराबर होता है। डार्क एनर्जी उस रहस्यमय शक्ति को नाम दिया गया है जो समय के साथ हमारी ब्रह्मांड के विस्तार की दर को धीमी नहीं बल्कि तेजी से बढ़ाती है। यह बिग बैंग से शुरू होने वाले एक ब्रह्मांड से क्या उम्मीद की जा सकती है? 20वीं शताब्दी में खगोल शास्त्री ने सीखा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। वे सोचते थे कि विस्तार का अंत हो जाएगा यदि ब्रह्मांड में पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं का भार होता तो। अब 21वीं सदी के आरंभिक कॉस्मोलॉजी में यह विचार विकसित हुआ है कि ब्रह्मांड आज करोड़ों साल पहले से तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपांशन की दर बढ़ाने का कारण क्या हो सकता है? खगोल शास्त्री अब कभी कभी इसे एक रिपल्सिव फोर्स यानी के विकराल बल भी कहते हैं। डार्क एनर्जी के बारे में अन्य तथ्यों में से कुछ तथ्य यह हैं: डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के लगभग 70% का हिस्सा है। इसे वैश्विक मापदंडों के अनुसार शुरुआती ब्रह्मांड से ही पाया गया है।
डार्क एनर्जी अकार्य है, अर्थात यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को तो आवश्यक नहीं करता है। डार्क एनर्जी के विद्यमान होने से ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से हो रहा है। इसके बारे में अधिकतर जानकारी हमें अभी भी नहीं है। डार्क एनर्जी वस्तुओं को आकर्षित नहीं करती है। डार्क एनर्जी के बारे में अधिकतम जानकारी हमारी ब्रह्मांड की स्थितियों के अध्ययन से मिली है। इसके बारे में सबसे पहली बार 1998 में दो वैज्ञानिकों ने बताया था। इसे केवल नामकरण किया जा सकता है, इसकी अस्तित्व से जुड़ी कोई स्पष्ट तथ्य नहीं है। डार्क एनर्जी न तो किसी पदार्थ से बनती है और न ही किसी एक बिंदु से उत्पन्न होती है। डार्क मैटर का कारण ग्रेविटी है, जबकि डार्क एनर्जी का कारण अभी तक समझ में नहीं आया है। इस खोज के लिए एडम जी रियस और सॉल परमट्टर को 2011 में नोबेल पुरस्कार मिला था। डार्क एनर्जी की खोज ने ब्रह्मांड की समझ के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। जारी शोध और अन्वेषण के साथ हम संभवतः अगले कुछ समय में इस रहस्यमय बल की सही प्रकृति का पता लगा सकते हैं। तो इस रोचक विषय पर अधिक अपडेट के लिए बने रहें और हमारे साथ ब्रह्मांड के रहस्यों का पर्दाफाश करने की इस यात्रा में शामिल हों।